गाइस फाइनली ले लिया है, अभी पहले चलते हैं कज़ान मॉल जल्दी से। ये पूरी कज़ान सिटी का मैप है, कज़ान सिटी का लेआउट है। तो गाइस यहाँ पर यंडेक्स जो रास्ता है वो जंगलों के बीच से भी दिखाता है। गुड मॉर्निंग गाइस, एक और नए सफर में आपका स्वागत है। मैं हूँ अविनाश और वेलकम टू अवर चैनल अभी ट्रैकर। सो गाइस आज हम जा रहे हैं घूमने के लिए कज़ान मॉल। उससे पहले हम एक बार भुवाना स्ट्रीट पे जाना है। सो आई जस्ट थॉट कि यार अभी हम होस्ट के पास रुके हैं तो एक छोटा सा गिफ्ट होना चाहिए, तो सबसे पहले हम जल्दी से भुवाना स्ट्रीट जा रहे हैं। वहाँ पर जाके एक बार देखेंगे, घूमेंगे थोड़ा सा, कोई अच्छा सा गिफ्ट लेंगे अपने होस्ट के लिए, देन हम कज़ान मॉल एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। सो गाइस चलिए चलते हैं। मैं बस स्टेशन पे आ चुका हूँ और अपने जो बस नंबर है वो 30 नंबर है, तो अभी जल्दी से उसमें बैठते हैं, भुवाना स्ट्रीट के लिए निकलते हैं, देन वहाँ पर जाके एक बार शॉप्स वगैरह देखेंगे, जो अच्छा प्रेजेंट लगा वो होस्ट ले लेंगे, फिर उसके बाद कज़ान मॉल आएंगे। अभी जस्ट थोड़ा सा दूर और है, 100 मीटर और दूर है, फिर हम अरबत भुवाना स्ट्रीट पहुँच जाएंगे और उसके बाद बस एक छोटा सा गिफ्ट लेना है, उसके तुरंत बाद हम चलेंगे कज़ान मॉल। कज़ान मॉल जाके एक बार एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर कितने एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। और अभी पहले एक बार जल्दी से जाके अभी हम जाके गिफ्ट ले लेते हैं। और गाइस एक शानदार कार है सामने, जस्ट आई डोंट नो द नेम ऑफ दिस कार, सो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो कि ये कौन सी कार है। रेड कलर की काफ़ी अच्छी कार है ये। भुवाना स्ट्रीट पर पहुँच चुका हूँ और अभी जिस एरिया से मैं जा रहा हूँ ये सबसे पॉश एरिया है, मतलब सबसे एक्सपेंसिव एरिया है। यहाँ पर सबसे एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, एक्सपेंसिव होटल है, जैसे कि अभी आपको जस्ट सामने ये राइट हैंड साइड पर दिख रहा है, एक्सपेंसिव होटल है ये। और यहाँ पर तो मोस्टली कार्स आपको खड़ी भी दिखेंगी ना, BMW मर्सिडीज से नीचे नहीं दिखेगी। और जस्ट हमें सामने वाली गली पर जाना है। सो भाई से कुछ ऐसी शॉप है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे रखे हुए हैं, और लेकिन मैंने जो चूज़ किया ना होस्ट के लिए वो ये है, ये कुछ लकड़ी जैसा बना हुआ है। सो ये गिफ्ट देंगे होस्ट को, और ये देखोगे तो आप बहुत कुछ लकड़ी जैसा बना हुआ है। सो फाइनली मैंने डिसाइड किया कि मैं ना होस्ट को ये देने वाला हूँ। और जब भी आप किसी के घर काउच सर्फिंग पे रहते हैं ना, सो कुछ ना कुछ आपकी इच्छा जो हो आप उन्हें वो गिफ्ट दे सकते हो, ये थोड़ा अच्छा जेस्चर होता है। और बाकी अगर आप ये देखोगे तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, ये भी कुछ बना हुआ है मम्मी जैसा। और ये अंदर भी ना लकड़ी का सामान है, पोर्ट्स वगैरह हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गाइस ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हैं गुड्डे गुड़िया, तो देखने में तो थोड़ा स्केरी लग रहा है। सो गाइस ओवरऑल इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। तो अभी जल्दी से पहले गिफ्ट ले लेते हैं ये होस्ट के लिए, देन चलते हैं डायरेक्टली कज़ान मॉल। बाकी चॉकलेट्स वाला सेक्शन भी है। तो गाइस फाइनली ले लिया है, अभी पहले चलते हैं कज़ान मॉल जल्दी से, क्योंकि उसके बाद कहीं और भी निकलना है। सो जल्दी से पहले कज़ान मॉल निकलते हैं अभी। बाकी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है अभी यार कज़ान में ना एक्सप्लोर करके, क्योंकि यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है, मॉन्यूमेंट बहुत अच्छा है। और अभी जस्ट हम कज़ान मॉल जाएंगे एंड दिस गोना बी आवर लास्ट स्टॉप, ये हमारा लास्ट स्टॉप होने वाला है कज़ान के अंदर, फिर उसके बाद हम वापस से नाभरेशन चलने जाएंगे, देन वी गोना डिसाइड कि हमें नेक्स्ट सिटी अभी कौन सी एक्सप्लोर करना है। तो अभी जस्ट चलते हैं जल्दी से, पहले कज़ान मॉल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइस फाइनली अभी हम स्टेशन से उतर चुके हैं, मतलब बस स्टेशन से उतर चुके हैं। कज़ान मॉल जस्ट इस साइड है यार, हाँ कज़ान मॉल ये रहा, जस्ट सामने ही है कज़ान मॉल, तो अभी अपन वहाँ चल रहे हैं। सो गाइस बाहर से कुछ ऐसा दिखता है कज़ान मॉल, इसके जस्ट सामने जो कज़ान मॉल जो लिखा हुआ है वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ है, सो इट्स क्वाइट इजी फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। और जस्ट इसके सामने ही कोई स्टेडियम वगैरह लग रहा है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो इस वक्त हम जस्ट कज़ान मॉल के सामने पहुँच चुके हैं, तो अभी अंदर जाके देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
एंड दिस गोना बी लास्ट पॉइंट इन खजान सिटी फॉर अस। उसके बाद वी हैव टू मूव बैक टू नावरेशन चलने, दैन हम नई सिटी की तरफ मूव ऑन करेंगे। सो गाइस ये है खजान मॉल। सो कुछ ऐसा है खजान मॉल। तो ये अंदर आते ही सबसे पहले एसी का एहसास और फिर कुछ ऐसा है। दिस इज खजान मॉल। हम चल रहे हैं ऊपर, बहुत चुके हैं एक्चुअली। तो गाइस ये खजान मॉल है। पहले तो मैं यहाँ पर बर्गर किंग ढूंढूंगा, देखते हैं बर्गर किंग मिलेगा नहीं मिलेगा। अब बर्गर किंग है KFC में से एक चीज़ मिल जाए उधर हम खाएंगे एंड देन हम बाकी एक्सप्लोर करेंगे। तो कुछ ऐसा है खजान मॉल। मेरे को तो यहाँ पर सबसे अच्छा पता है क्या लगा है गाइस, रशिया में इस वक्त गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। सो भाई मुझे तो सबसे बेस्ट चीज़ यह लगी कि मुझे यहाँ पर AC मिल गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बाकी ब्रांड भी यहाँ पर मैक्सिमम जो ब्रांड्स हैं वो सारे रशियन ब्रांड्स ही हैं। मुझे कोई भी मतलब नॉर्मल ब्रांड नहीं दिख रहा है, जैसे कि H&M हो गया या लुविस वेंटोस हो गया, मतलब जो भी अच्छे अच्छे ब्रांड्स होते हैं कोई भी मुझे ब्रांड नहीं दिख रहा है। ये मुस्टैंग करके तो है, चलो आई डोंट नो एग्जैक्टली कहाँ का ब्रांड है। काफ़ी अच्छा है और ऐसे ना छोटे छोटे स्टॉल्स भी लगे हुए हैं यहाँ पर, मतलब मेन मॉल से थोड़ा ठीक ठाक प्राइस मिल जाता है। इस साइड भी ब्रांड्स हैं कुछ, सनलाइट और भी अलग अलग बहुत सारे ब्रांड्स हैं। पर एप्पल का स्टोर एक्टिव है, एप्पल का स्टोर तो बंद हो गया था। चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर एप्पल का स्टोर अभी एक्टिव है फिलहाल के लिए। वहाँ पर भी कोई बहुत बड़ा लग रहा है, पहले ऊपर चलते हैं। गाइस काफ़ी बड़ा मॉल है भाई, सब जगह घूमते हैं पहले अच्छे से। और ये सेल लगा हुआ है, सेला मोमो करके कुछ है, यहाँ पर भी फंडे करके है, ये रहा फंडे करके। और गाइस यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पर मैक्सिमम स्टोर्स के ऊपर ना कुछ सेल चलती रहती है। रशिया में ये अच्छी बात है, मतलब मैक्सिमम मॉल्स में क्या होता है कि सेल रहती ही रहती है, तो काफ़ी अच्छी बात है ये। ये सामने भी एक टेक्नो करके पार्क करके है, आई थिंक ये एक टेक्नो पार्क हो सकता है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स है शायद, कवर्स वगैरह हैं और ये सारे मोबाइल्स वगैरह हैं। $11,890 गैलेक्सी A33 का प्राइस है यहाँ पे ₹32,490। आई डोंट नो इंडिया में इस वक्त क्या प्राइस चल रहा है, यहाँ पर इस वक्त ये प्राइजेस चल रहे हैं इन मोबाइल्स के। और गाइस ये हेडफोन का बना रखा है पूरा, काफ़ी अच्छा बना रखा है यार, ये हेडफोन सेक्शन बना रखा है।
और ये एयर प्योरीफायर लग रहा है, ये इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स हैं, मतलब ओवरऑल अच्छा बना रखा है। ये स्पीकर ऐसे 12,990 का है, ये ASUS का जैन बुक है, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट वॉज क्वाइट स्मूथ गाइस। और बाकी है तो सारे लैपटॉप्स हैं, GoPro भी है, अपने वाला GoPro यहाँ पर है 42,990 का, और GoPro 10 है 454,990 का, मतलब महंगा है यहाँ पर GoPro, महंगा है। ओह गाइस, ये वाला प्रिंटर मेरे पास है, यहाँ पर 7,490 का है, या फिर नीचे वाला है, या फिर आई थिंक मेरे पास ये वाला प्रिंटर है, यहाँ पर 3,690 का है। सो मतलब इंडिया में मैंने अप्रॉक्सीमेट से थोड़ा महंगा लिया है, यहाँ पर थोड़ा सस्ता आई थिंक। HP Z 2320, हाँ यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट ये 4,000 के अप्रॉक्स हो गया, तो इंडिया में मुझे इतना ही पड़ा था। और बाकी ये सैमसंग की LED स्क्रीन्स हैं, गाइस ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, और काफ़ी बड़ा टेक्नो पार्क है। बाकी सब कुछ है यहाँ पर यार, क्या नहीं है ये पूछो आप। स्पीकर्स हैं, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं, हेडफोन्स हैं, सब चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। सो ओवरऑल इट वाज गुड। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स भी हैं, एक ब्लॉक भी है बच्चों के लिए, ये ड्रोन भी है, DJI का ड्रोन है यहाँ पर 91,880 का, और ये DJI मिनी SE 59,880 का। तो मुझे ड्रोन से कोई आइडिया नहीं है, और एक स्क्रीन भी है काफ़ी अच्छी है। अभी दूसरे स्टोर में चलते हैं। बाकी लेकिन ये मॉल बहुत बड़ा मॉल है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, ये शायद से रिलैक्सेशन का कुछ है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, ये कुशन का कुछ बना रखा है। ये खरी करके कोई ब्रांड है, बैग्स वगैरह हैं काफ़ी सारे, और ये एंटा स्पोर्ट्स करके भी एक ब्रांड है, मुझे इसका आइडिया नहीं है। चलो एडिडास के बॉक्स, ये ब्रांड्स भी हैं यहाँ पे, अच्छा है। और ये क्लेवर करके भी एक ब्रांड है, सेल लगी हुई है, मतलब मैक्सिमम हर आपको हर जगह पे आपको सेल दिख जाएगी, यहाँ पर मैक्सिमम हर जगह सेल ही रहती है। ये देखो ये है कज़ान मॉल, कज़ान मॉल ये एक्सी करके है, आगे भी देख के ऐसा लग रहा है कि आगे भी बहुत बड़ा है शायद। पहले हम एक बार थर्ड फ्लोर पे चल के आते हैं, एक दूसरे की भी दुकान है शायद। इस साइड भी एक ब्रांड है, फ्रांसिस्को ढोनी करके कोई है, आई डोंट नो एक्जेक्टली। क्रॉक्स
गाइस हम आ चुके हैं थर्ड फ्लोर के ऊपर। ये पता नहीं रशियन में लिखा है, ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हाँ चलो, यहाँ पर कुछ खाने पीने की जगह मिल जाएगी हमें, एटलीस्ट कुछ खाने पीने को मिल जाए तो अच्छा होगा। मैं तो बर्गर किंग। वाओ, इट्स फॉर लेडीज। मैं तो बगैर गाइस खाने पीने का सेक्शन आ चुका है, मतलब थर्ड फ्लोर के ऊपर है। अगर आपको खाने पीने आना है तो कज़ान के थर्ड फ्लोर पे आ जाना डायरेक्ट, आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ खाने पीने को मिल जाएगा। चलो KFC दिख गया, KFC चलते हैं। बास्किन रॉबिन्स भी है, ब्लैक स्टार बर्गर भी है। ओ इट्स कज़ान सिटी गाइस, ये पूरी कज़ान सिटी का मैप है, कज़ान सिटी का लेआउट है। ये पूरा कज़ान सिटी का लेआउट है। काफ़ी अच्छा बना रखा है। अभी पहले हम KFC चल लेते हैं। तो गाइस अभी जहाँ पर मैं आया हूँ, ये कुछ एंशियंट बर्तनों का कुछ है। प्राइसेस भी ठीक ठाक हैं, 889 रूबल, 4490 रूबल, मतलब क्रॉकरी है पूरी ना, घर के सामान वगैरह इन सब चीज़ों का है यहाँ पे। क्रॉकरी वगैरह है, काफ़ी अच्छा है। तो गाइस ओवरऑल काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। कज़ान मॉल के बाहर आ चुका हूँ, और जो मैंने आपको KFC का बताया था, KFC का जो बिल बना था वो 224 रूबल बना था। 90 रूबल की ड्रिंक थी, 129 का वो था जी जो मैंने स्ट्रिप खाया था। और गाइस मतलब पूरा मॉल काफ़ी अच्छा है, थोड़ा एक्सपेंसिव है क्योंकि यार नॉर्मल सी बात है, कज़ान का मॉल है तो यार एक्सपेंसिव होगा, और मेन कज़ान मॉल है। और उसके साथ में अभी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर अभी स्ट्रिप का अभी के लिए फ़िलहाल हम आज का साथ इतना ही था, बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड। सो गाइस अभी हमारी कज़ान की ट्रिप ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है, तो अभी हम नाभ्रेशन चलने के लिए वापस से निकल रहे हैं। सो अभी हम पहले हम चलेंगे ट्रैम पे, ट्रैम पे जाने के बाद हम जाएंगे बस स्टेशन पे, बस स्टेशन के जाने के बाद फिर हमारी बस है वहाँ से फ्रॉम कज़ान टू नाभ्रेशन चलनी। सो गाइस चलिए हमारी ट्रिप स्टार्ट करते हैं। सो अभी मैं निकल चुका हूँ, और अभी मुझे ट्रैम पकड़नी है, ट्रैम नंबर 7 पकड़नी है। फिर यहाँ से ऑलमोस्ट 26 मिनट्स की जर्नी है, तो अभी जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि हमारी जो बस है 3 बजे है, और अभी जो टाइम हुआ ऑलमोस्ट 2 बज चुके हैं। सो वहाँ पहुँच के एटलीस्ट बात भी तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वही है कि बस कौन सी है, कहाँ पे जाना है। सो अभी जल्दी से चलता हूँ, देन आपको डायरेक्टली अभी जैसे ट्रैम पे बैठता तब मिलता हूँ वहाँ पे। तो गाइस यहाँ पर यनडेक्स जो रास्ता है वो जंगलों के बीच से भी दिखाता है। अभी जो मेरा जो रूट है ये बिल्कुल जंगल के बीच से है। सो एक बार हम जल्दी से चलते हैं, अपने ट्रैम स्टेशन पर पहुँचते हैं, फिर हमको जल्दी से ट्रैम पकड़ के फिर हमको पहुँचना अपने बस स्टेशन। सो गाइस आप देख सकते हो कि बिल्कुल जंगल वाला इलाका है, और ये इंडेक्स ही छोटे छोटे रास्ते भी दिखाता है। तो मतलब मैं ये कहूँगा कि यार ये मैप काफ़ी ज़्यादा रिलायबल है, मतलब इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हो
गूगल क्या होता है, कभी कभी छोटे मोटे रास्ते नहीं दिखाता, वो सिर्फ बड़े रास्ते घुमा के रास्ते दिखाता है, लेकिन ये आपको छोटे से छोटा रास्ता भी दिखाएगा। सो व्हेन एवर यू प्लान टू कम टू रशिया, यूज़ यंडेक्स मैप। गाइस बिल्कुल ट्रैकिंग वाली फील आ रही है। अभी ये देखो यहाँ पर ये चढ़ान है। सो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यार ट्रैकिंग ही कर रहा हूँ मैं। सो क्योंकि ये पूरी चढ़ान है, अब जल्दी से चढ़ान पे चढ़ो, जल्दी जल्दी निकलो क्योंकि वी आर ऑलरेडी गेटिंग लेट मैन। सो गाइस ये ट्रैम कुछ इस टाइप की है और अभी ऑलमोस्ट मुझे पंद्रह बीस मिनट लगेंगे पहुंचने में। और गाइस जो ट्रैम का प्राइस है वो 31 रूबल है, मतलब ऑलमोस्ट बस स्टेशन का भी वही प्राइस है और ट्रैम का भी वही प्राइस है, और हमें जाना है यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट लगेंगे, फिर उसके बाद हम पहुँच जाएंगे। जस्ट आपको जो मेरे पीछे दिख रहे हो ट्रैम्प है, और अभी अपन को ऑलमोस्ट चलना है, यहाँ से 200-300 मीटर है, फिर जस्ट अपन अपनी लोकेशन पर पहुँच जाएंगे, देन वी नीड टू कैच द बस फॉर नाउ। सो गाइस ये ऑफ तो बस है कज़ान का बस स्टेशन, जहाँ से सारी बसें मिलती हैं। तो अभी जाके हम पूछते हैं कि हमारी बस कौन सी है। सो अभी ऑलमोस्ट हम बस स्टैंड पर पहुँच चुके हैं, एंड देन अभी जाके पूछते हैं कि हमारी बस कौन सी और कितने बजे आएगी। सो गाइस अभी मैं वेट कर रहा हूँ मेरी बस का, और वापस से वही प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मेरे पास इस बार मुझे पहले बस नंबर रिसीव नहीं हुआ। सो ये मेरी वैसे टिकट है। सो अभी मैं लोगों से पूछ रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि 3 बजे आएगी, और ये बाकी बसेस ऐसे कुछ लगी हुई हैं अभी यहाँ पर ना। ये बहुत प्रॉब्लम है, अगर आपको रशियन लैंग्वेज नहीं आती तो भाई थोड़ा मामला गलत नहीं बोलूँगा, मैं आपको ये बोलूँगा कि थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती है आपको। सो गाइस फाइनली बस में बैठ चुका है, और अपनी बस कुछ इस टाइप की है, और बड़ी मुश्किल से बस मिली क्योंकि यार यहाँ पर ना इन रिजर्वेशन का बहुत पंगा है। और फाइनली जाके चलो मेरा नाम दिख गया मुझे, वो जो उनकी लिस्ट रहती है अविनाश। सो फिर मैं अभी इस बस में आके बैठ गया हूँ, और अभी बस अपन इसमें चलेंगे अभी, ये अपना और कुछ ऐसा बस स्टेशन है कज़ान का। गाइस वापस घर पहुंच चुके हैं, अभी जस्ट मैं पहुंचा हूं, और बाकी बस बीच में कहीं पर भी नहीं रुकी थी तो इसलिए मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। फिर उसके बाद मैं सिर्फ नाभरेशन चलनी बस स्टेशन उतर गया था, उसके बाद मैंने कैब बुक करी और मैं फटाफट घर आ गया, और अभी ऑलमोस्ट 3 घंटे की जर्नी थी। सो गाइज ओवरऑल कज़ान की ट्रिप बहुत अच्छी रही। सो गाइज अभी तक आपने व्लॉग चेकआउट नहीं किया तो जाके ज़रूर चेकआउट करो, और बाकी अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आपको अगर रशियन व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है, आपको रशियन कंट्री के बारे में देखना अच्छा लगता है, सो गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक हम मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।